लॉकडाउन के बीच भले ही प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों को राशन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन सरकार के कर्मचारियों की मनमानी देखते ही बन रही है। खबर है कि एक ही गांव के दर्जनों गरीबों को सरकार से मिल रहे मदद से हाथ धोना पड़ रहा है। पूरा मामला काशीपुर के गांव गंगापुर का है, जहां के ग्राम प्रधान लखविंदर सिंह ने गांव में किराए पर रह रहे गरीब 150 परिवारों की सूची काशीपुर विधायक को दी, लेकिन ग्राम प्रधान की तरफ से दी गई लिस्ट के अनुसार कर्मचारियों ने खाद्य सामग्री को वितरित नहीं किया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान की तरफ से शिकायत के बाद भी कर्मचारियों ने गरीबों की सुध नहीं ली। यही स्थिति अब बंद हो गया तो परेशानी पड़ेगी काम वाम पे जाने में। परिवार का तो ऐसे ला रहे हैं एक एक दो दो किलो। राशन कार्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे साले की तरफ से आया था थोड़ा सा राशन। नहीं मिला ये है कि नाम लिख के ले गए, लेकिन अभी तक तो कोई गुंजाइश नहीं हुआ साहब। अब ला रहे हैं खा रहे हैं, एक टाइम लगा है नहीं है। पशुपति से साहब एडवांस मिला था 1500 रुपये, अब जब तक था तब तक खाए पिए, अब है नहीं, अब क्या करें बताइए। मेरी तरफ से जो मैंने लिस्ट पहले बनाई थी वो मैंने अपनी लिस्ट विधायक साहब को दी थी, विधायक साहब ने वो लिस्ट आगे SDM साहब को दी या तहसीलदार को दी, ये इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन जो है वो लिस्ट हमारी, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ, उसके अनुसार राशन नहीं मिला। फिर जो उन्होंने अपने हिसाब से लिस्ट तैयार कराई जिसमें 28-30 लोग थे, उन्होंने उसको राशन दिया। बाकी लोग अभी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ही लाया गया है, और मैं इस संबंध में कंसर्न पटवारी से और तहसीलदार से बात करता हूँ और पता करता हूँ कि लिस्ट में से किस आधार पर लोगों को चयन किया गया है। यदि कुछ लोग जो पात्र हैं उनको अनाज नहीं मिल पाया है तो उनको पात्रता की सूची में शामिल करके अनाज दिया।